आप जानते हैं कि बनारस की साड़ी कैसे बनती है? भारत के दूर दक्षिण से आता है रेशम का तागा और उत्तर से सोने के तार। फिर हिंदू व्यापारी इन्हें खरीदकर मुसलमान बुनकरों को दे देते हैं और खड्डी पर जुलाहों के जादू से जाग पड़ती है जरी की जगमग और पूरी दुनिया में फैल जाती है बनारसी साड़ी की चमक। कुछ ऐसी ही तो है कबीर की वाणी की बुनावट। दक्षिण के गुरु, उत्तर के संस्कार, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संगम और कबीर का कलाम और कमाल। आज के आखिरी पद में एक जुलाहे के ताने बाने के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उभरते हुए बेजोड़ फिलोसफिकल पैटर्न्स बिल्कुल साफ नजर आते हैं। देखते देखते कबीर एक ऐसी ओढ़नी बुन देते हैं जिसमें ऊर्जा भी होती है, उष्मा भी। आइए हम भी महसूस करें कबीर की चदरिया की गर्मी और नरमी। झीनी झीनी बिनी चदरिया, जीनी 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 चदरिया, जीनी जीनी जीनी।
एक सूफी कहावत है, हद तपे सो ओलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दो तपे, वाको नाम फकीर। पर हम तो यही कहेंगे, हद तपे सो ओलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दो तपे, वाको नाम कबीर।